हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डेंगू से बचने के कुछ सरल उपायों के बारे में। दोस्तों, डेंगू एक गंभीर बीमारी होती है। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। डेंगू से बचने के एकमात्र उपाय होता है, वो होता है इसका रोकथाम। आज मैं आपको इसके रोकथाम के उपाय और कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके रोकथाम के उपायों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको पूरे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फुल पैंट, फुल शर्ट, हाथ और पैर के मोजे। आपको इनका विशेष तौर पर उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ घर के और पास आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मच्छर वहाँ पर पनप ना पाएं। इसके अलावा यदि आप मच्छर वाले इलाके में रहते हैं तो आपको अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि आपको मच्छर ना काट पाए। इसके अलावा आपको बाजार में मिलने वाली कॉइल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आप डेंगू के मच्छरों को दूर भगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको दोस्तों ध्यान देना है, आपको अपने बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा आप घरों के अंदर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करके आप मच्छरों से बच सकते हैं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो डेंगू मच्छर होता है उसके काटने की वजह से शरीर के अंदर वायरस बढ़ जाता है, क्योंकि इसके शरीर के अंदर वायरस होता है जो हमारे शरीर में आकर बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, जैसे कि तेज बुखार आना, सिर के अंदर दर्द होना, खून की कमी पड़ जाना, एनीमिया की प्रॉब्लम होना, हार्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होना। इससे दोस्तों शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहले पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। पपीते का जो पत्ता होता है उसका इस्तेमाल करके आप डेंगू मलेरिया के मच्छरों को दूर कर सकते हैं, इससे उत्पन्न होने वाला बुखार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि पपीते के पत्ते के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर के अंदर जाकर प्लेटलेट्स की कमी को पूरा कर देते हैं। जब डेंगू का बुखार उत्पन्न होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स कम होती है। ऐसे में दोस्तों आप पपीते के जूस का इस्तेमाल करें। पपीते के कुछ पत्तों को लें, इसका आपको जूस निकालना है, सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना है। यह आपके सभी प्रकार के डेंगू के बुखार को उतारने में मदद करेगा, साथ ही साथ डेंगू के उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जो कारक होते हैं उनको दूर करने में पपीते का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा आपको सभी प्रकार के जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उनके इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सुगंधित पदार्थ होते हैं वो मच्छरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के सेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थ को दूर कर देना चाहिए। इसके अलावा आप बकरी के जो दूध का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बकरी का दूध होता है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, यह पीने में बहुत ज़्यादा हल्का होता है जो कि आपके पाचन सिस्टम को बेहतर बना देता है, क्योंकि आसानी से पच भी जाता है जो कि शरीर के अंदर बहुत सारी कमजोरी को दूर कर देता है और आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी को दूर करता है और डेंगू के बुखार को उतारने में बकरी का दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप हमें वहां पर जाकर फॉलो करें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम को हल करने की। आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।